अब मैं किसी छोटी जाति की लड़की के साथ दोस्ती नहीं रख सकती। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। मैं छोटी जाति की हूँ इसलिए अनन्या ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। कहीं उस ज्योति से तो नहीं मिलने जा रही? अनन्या मेरी बात तो सुन, एक बार मेरा दरवाजा तो खोल। तू मुझे अपने घर से क्यों निकाल दिया? अनन्या एक बार दरवाजा खोल दे। अम्मा ठीक कहती है, तू छोटी जाति की है, मैं तुझसे दोस्ती नहीं रख सकती। पर हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना? है नहीं, थे बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब मैं किसी छोटी जाति की लड़की के साथ दोस्ती नहीं रख सकती। अनन्या प्लीज दरवाजा खोल दे। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, प्लीज जा यहाँ से। हाँ हाँ जा यहाँ से। इमा मेरी बात तो सुन ले। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, जा यहाँ से। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। कोई जरूरत नहीं है उससे दोस्ती रखने की। क्या छोटी जाति के लोगों से दोस्ती करनी है ना? तुम्हारी क्लास में तो और इतनी सारी लड़कियां हैं, इतनी क्लासी हाई स्टैंडर्ड की, उनसे दोस्ती करो ना। याद नहीं करना, इतना बोरिंग है ये। किसी और काम में मन लगाऊंगी तो उसकी याद नहीं आएगी। बुक पढ़ती हूँ। ये बोरिंग बुक है, किसी काम में मन नहीं लग रहा। ज्योति को फोन करती हूँ। ज्योति मेरा फोन क्यों काट रही है? दोबारा करती हूँ। मैं छोटी जाति की हूँ इसलिए अनन्या ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। एक्चुअली मेरी ही गलती है, मुझे अनन्या को पहले ही बता देना चाहिए था मेरी जाति के बारे में, फिर ना मुझसे वो दोस्ती करती ना दोस्ती तोड़ती। अनन्या बार बार क्यों फोन कर रही है? हो गया ना जो होना था। क्या ही मुझे और सुनाना चाहती है। मैसेज करती हूँ। अनन्या का मैसेज, ज्योति प्लीज मुझसे एक बार मिल ले हमारी दोस्ती की खातिर प्लीज। आई होप ज्योति कल आ जाए। चलो अनन्या उठो बेटा, मुझे सफाई करनी है। मम्मा क्या हो गया? आपने सुबह तो सफाई करी थी। बेटा वो तो सुबह की थी ना, उसके बाद तेरी वो ज्योति ने आके मेरा पूरा का पूरा घर अपवित्र कर दिया, तो सफाई तो करनी पड़ेगी ना। उठ उठ फटाफट। तू ऐसा कर, तू झाड़ू लगा, मैं डस्टिंग करती हूँ, पकड़। The next day. ज्योति कहाँ रह गई? वो आएगी तो सही ना, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। कहाँ गई? कहाँ है तेरी ज्योति? ज्योति ज्योति रुक जा, मुझे गले मत लगा। क्यों क्या हुआ? तू मैली हो जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, तूने कल मुझे अपने घर से धक्का मार मार के निकाला था ना। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड को अब तक कोई मेरा आ सकता है क्या? तो अब तू ये सारी बातें क्यों बोल रही है? तेरे को क्या लगा मैं तेरी दोस्ती हाथ से तोड़ दूंगी? ये नाटक तो मैंने सिर्फ मम्मा को दिखाने के लिए किया था, ताकि उनको पता चल जाए कि मैं उनके बातों से सहमत हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो छोटी जाति की हूँ, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की जात पात से फर्क थोड़ा पड़ता है। मुझे बस इतना पता है कि तू एक अच्छी इंसान है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है।
रोज मिलेंगे पर मेरे घर पे नहीं यहाँ पर। ठीक है डन। The next day. Lucy. Later. ये इतनी देर हो गई अनन्या अभी तक आई क्यों नहीं? ये कहाँ चली गई लड़की? अनन्या ही होगी। अनन्या तू कहाँ रह गई थी बेटा? वो मामा वो ना मैं पार्क गई थी। ये अनन्या मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है? इसने एक बारी भी मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब नहीं दिया। कहीं उस ज्योति से तो नहीं मिलने जा रही? इस पे नजर रखनी पड़ेगी। इसका कुछ करती हूँ। The next day. बेटा आजकल तो बड़ी खुशी खुशी पार्क जा रही है, क्या बात है? वो मुझे पार्क जाना अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा तो जाओ फिर। ठीक है बाय बाय। ये फिर पार्क गई। इस पे ना नजर रखनी होगी। ये कहीं उस छोटी जाति वाली ज्योति से तो नहीं मिलने जाती? ऐसा करती हूँ आज मैं इसके पीछे ही जाती हूँ। ज्योति देखो पता है मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है और देखो पता मैं तुझसे मिलने के लिए रोज मम्मा से झूठ भी बोलती हूँ। अनन्या तू ऐसे ही मुझसे दोस्ती निभाएगी ना? बिल्कुल। और सुन मेरी मम्मा ने आज नूडल्स बनाए थे तो मैं तेरे लिए भी लाई हूँ, तू खाएगी? हाँ क्यों नहीं। ठीक है ये ले। Later. मैं तो बहुत जंगल से मैंने तो सारे के सारे खा लिए। अपनी मम्मा को बोलिए बहुत टेस्टी नूडल्स थे। ठीक है लग गई। अगर ये चोट उसे नहीं लगती तो ये चोट मुझे लगती।
लड़की, क्या आप भी मुझे ऐसा ही बिहेव करते? आज इस छोटी जाति की लड़की ने प्रूव कर दिया है कि जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हो या फिर नहीं। आज ज्योति मैं देखो दवाई लगा दे। रुको, ज्योति को दवाई मैं लगाऊंगी। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, ऊंची जाति नीची जाति के चक्कर में मैं एक अच्छा इंसान बनना भूल गई थी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया। आई एम सॉरी बेटा, आज तुमने अनन्या को बचाकर ये प्रूव कर दिया कि ऊंची जाति नीची जाति का होना कोई मायने नहीं रखता, एक अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे पता है बहुत अच्छी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए गेस द चॉकलेट चैलेंज वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 व्लॉग्स पे। गाइस मैंने सारी की सारी चॉकलेट्स गेस कर ली थी। वीडियो देखने के लिए क्लिक हियर, क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो।